पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में आयोजित ईद की नमाज में भाग लिया और ईद की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों को संबोधित कर रही थी और उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद भी दी और उन्होंने कहा कि यह खुशियों की ईद है, ये ताकत देने वाली ईद है। इस ईद को एक महीने तक उपवास करके मनाना बहुत बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसलिए कुछ लोग दंगा भड़काने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उनके जाल में नहीं फंसना है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने CAA NRC पर भी बड़ा बयान दिया है। अरे लोग, किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है? कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल कुल, हम रहेगा कुल कुल। उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, NIA को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर दो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा। यही बात में रहता है, हम तो छोटा आसमान चाहते हैं, सुंदर आसमान जिसके लिए सब लोगों ने एक साथ में रहेगा, हम ही सुंदर आसमान चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू CAA NRC को भी हम किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम एकजुट होकर रहें तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बता दें कि इस मौके पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी वहां मौजूद थे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस मिट्टी के सभी लोगों का खून लाल है, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक समान है और हमें इस भाईचारे को बरकरार रखना है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वाना चाहते हैं, हमें उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देना है। साथ ही अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि जो भी दंगा भड़काने की कोशिश करेगा उसका जनाजा उठा दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने हिंदुओं से अपील की थी कि नवरात्रि आ रही है, मैं विनती करती हूँ कि रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं।